स्वागत है आपका एचएचए एजुकेशन हिंदी में। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अलग अलग टाइप्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से जुड़ा अलग अलग बैरियर्स को जानेंगे। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स को इफेक्टिवली मैनेज कर पाती है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वह प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन के फ्यूचर वर्कफोर्स के नीड को फोरकास्ट किया जाता है, इम्प्लॉइज के स्किल के लेवल को समझने का प्रयास किया जाता है, मतलब यह जानने का प्रयास किया जाता है कि इम्प्लॉइज के पास कितना स्किल है और इम्प्लॉइज के रिक्रूटमेंट डेवलपमेंट इम्प्लॉइज को कैसे रिटेन करना है इससे जुड़ा स्ट्रेटजी बनाया जाता है और यह भी इंश्योर किया जाता है कि ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लानिंग को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि प्लानिंग का पूरा लाभ उठाया जा सके। चलिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अलग अलग टाइप्स को पढ़ते हैं। पहला, प्लानिंग रिलेटेड विथ स्ट्रेटजी। असल में स्ट्रेटजी से जुड़ा प्लानिंग लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर परफॉर्म किया जाता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस स्ट्रेटजी को ध्यान में रखकर परफॉर्म किया जाता है। स्ट्रेटजी से जुड़ा प्लानिंग में बिजनेस स्ट्रेटजी को फोकस में रखा जाता है और यह तय किया जाता है कि स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने में कितने इम्प्लॉइज की आवश्यकता होगी। इस टाइप के प्लानिंग में यह देखा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटजी क्या है, मतलब क्या ऑर्गेनाइजेशन नए मार्केट्स में एक्सपेंड करना चाहती है, क्या ऑर्गेनाइजेशन अपने टेक्नोलॉजी को अपडेट करना चाहती है आदि, और इन स्ट्रेटजी का वर्कफोर्स का रिक्वायरमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रेटजी अडॉप्ट करने वाली है उसके वजह से ज्यादा इम्प्लॉइज को लाना होगा, कम इम्प्लॉइज को लाना होगा, एक्सपीरियंस्ड इम्प्लॉइज को लाना होगा, फ्रेशर्स को लाना होगा आदि। इस प्रकार के प्लानिंग की सहायता से ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लॉइज को एक्वायर करने का, रिक्रूट करने का, इम्प्लॉइज को रिटेन करने का और इम्प्लॉइज को डेवलप करने का स्ट्रेटजी फ्रेम करती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव कर सके। आगे इस प्लानिंग की सहायता से यह भी अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा कौन सा काम से जुड़ा टैलेंट और स्किल है जो इम्प्लॉइज में प्रेजेंट होना चाहिए ताकि वे अपने काम को अच्छे से परफॉर्म कर सके। अगला टाइप है प्लानिंग रिलेटेड विद ऑपरेशंस। ऑपरेशंस से जुड़े प्लानिंग में ऑर्गेनाइजेशन के इमीडिएट वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट के बारे में विचार किया जाता है। आमतौर पर इस टाइप का प्लानिंग शॉर्ट टर्म के लिए परफॉर्म किया जाता है। वर्तमान समय में प्रेजेंट टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कितने ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है, कितने इम्प्लॉइज की आवश्यकता होती है, इस पर ऑपरेशन से जुड़ा प्लान का ज्यादा ध्यान रहता है। दूसरी तरह से कहा जाए तो ऑपरेशन से जुड़ा प्लानिंग यह देखता है कि ऑर्गेनाइजेशन को प्रेजेंट समय में चलाने के लिए कितने इम्प्लॉइज की आवश्यकता है और साथ ही साथ ऑपरेशन से जुड़ा प्लानिंग उन स्ट्रेटजीज पर भी काम करता है जिसकी सहायता से इम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में लाया जाएगा, जिसकी सहायता से इम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन में रिक्रूट किया जाएगा। इम्प्लॉय कब कौन सा एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, कब कौन सा काम करेगा, इम्प्लॉइज का रिक्रूटमेंट, इम्प्लॉइज का सिलेक्शन, इम्प्लॉइज का ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस का मैनेजमेंट आदि ऑपरेशन से जुड़ा प्लानिंग के अंडर आता है। ऑपरेशन से जुड़ा प्लानिंग यह इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को जब जरूरत हो तब उसके पास स्किल और टैलेंटेड इम्प्लॉइज अवेलेबल हो जो ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवली चलाने में हेल्प करे। इसके अलावा वर्कफोर्स का प्रोडक्टिविटी को मॉनिटर करना, वर्कफोर्स का एफिशिएंसी को मॉनिटर करना और आवश्यकता पड़ने पर इम्प्लॉइज के परफॉर्मेंस में जरूरी एडजस्टमेंट करना ताकि उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हो सके, यह सब भी ऑपरेशन से जुड़ा प्लानिंग के अंडर आता है। अगला है प्लानिंग रिलेटेड विथ फ्यूचर इम्प्लॉइज। इस प्लानिंग की सहायता से फ्यूचर इम्प्लॉइज को रेडी किया जाता है और अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर की वजह से जो पोस्ट या जॉब खाली हो जाता है उसे फिल करने का प्रयास किया जाता है। कोई भी इम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा के लिए नहीं रहता है, या तो वह एक ना एक दिन रिटायर हो जाता है या ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जॉब या पोस्ट खाली हो जाता है, वेकेंट हो जाता है, तो इससे बचाव के लिए ऑर्गेनाइजेशन नए इम्प्लॉइज को ट्रेन करती है, तैयार करती है ताकि जब सीनियर इम्प्लॉइज जॉब या पोस्ट को खाली करे तो फिर उनकी जगह नए इम्प्लॉइज आ सके और ऑर्गेनाइजेशन का काम चलता रहे। इस काम के लिए पहले इम्प्लॉइज के पोटेंशियल के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है और फिर इम्प्लॉइज के सिलेक्शन के बाद उनके लिए ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है जिसके हेल्प से
नए इम्प्लॉयज को जरूरी नॉलेज, ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस और गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि रिटायरमेंट, प्रमोशन या अनएक्सपेक्टेड डिपार्चर की वजह से जो पोस्ट खाली हुआ है उसे फिल किया जा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा सके। अगला है प्लानिंग रिलेटेड विथ एक्वायरिंग टैलेंट्स। इस प्लानिंग की सहायता से टैलेंटेड इम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में अट्रैक्ट करने के लिए और रिटेन करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज बनाई जाती है। इस प्लान को बनाते समय प्रेजेंट मार्केट को एनालाइज किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट से जुड़ा रिक्वायरमेंट के बारे में प्रेडिक्शन किया जाता है और इम्प्लॉयज का सिलेक्शन से जुड़ा एक अच्छा और इफेक्टिव प्लान बनाया जाता है। अगला है प्लानिंग रिलेटेड विथ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इस प्रकार के प्लानिंग की सहायता से पहले उन स्किल्स या कॉम्पिटेंसीज को सर्च किया जाता है जिसकी सहायता से इम्प्लॉयज अपने काम को इफेक्टिवली पूरा कर सकते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन का प्रेजेंट वर्कफोर्स को एनालाइज किया जाता है और यह देखा जाता है कि इम्प्लॉयज के अंदर वे सारे स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज प्रेजेंट हैं कि नहीं। अगर हैं तो ठीक, वहीं दूसरी ओर अगर स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज प्रेजेंट नहीं है तो फिर इम्प्लॉयज के लिए डेवलपमेंट प्लान बनाया जाता है और इम्प्लॉयज को जरूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, मेंटोरशिप प्रोवाइड किया जाता है, गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, ताकि इम्प्लॉयज के अंदर वे सारे स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज डेवलप हो सके। अगला टाइप है प्लानिंग रिलेटेड विथ रिटेंशन। इस प्लानिंग की सहायता से इम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन करके रखने का प्रयास किया जाता है, खासकर हाई परफॉर्मिंग इम्प्लॉयज को। इस प्रकार के प्लानिंग को परफॉर्म करते समय यह पता लगाया जाता है कि इम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर क्यों जा रहे हैं और फिर एफर्ट लगाया जाता है कि कैसे इम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन में रिटेन किया जा सके। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट होता है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा स्ट्रेटजीज को अमल में लाया जाता है। पर प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते समय कई बैरियर्स, कई बाधाएं भी सामने आती हैं, या यूं कहें ऑर्गेनाइजेशन को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते समय कई बैरियर्स का सामना करना पड़ता है। तो चलिए उन बैरियर्स को एक एक कर देखते हैं। पहला है लैक ऑफ सपोर्ट। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लान फ्रेम करते समय या प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते समय सबसे बड़ा बैरियर जो सामने आता है वह है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट से सपोर्ट का ना मिलना। जब ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट प्रॉपर सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करता है तो प्लानिंग को परफॉर्म करने के लिए जरूरी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं रहता, जिससे प्लानिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करने में समस्याएं आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के लीडर और टॉप लेवल मैनेजमेंट को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की आवश्यकता और महत्व को समझाना होता है, और अगर संभव हो तो उन्हें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व भी करना होता है, जिससे उनका सपोर्ट मिले और वे प्रोसेस के महत्व को भी समझ पाए। अगला है अपोजिंग चेंजेस। जब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में, पॉलिसीज में, खासकर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा पॉलिसीज में, काम करने के अप्रोचेस में भी चेंजेस देखने को मिलेगा। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग प्रकार के इम्प्लॉयज होते हैं, पर जरूरी नहीं है कि वे सब चेंजेस को लेकर सहज फील करें, चेंजेस को लेकर इजी फील करते हों, कंफर्टेबल फील करते हों। कुछ इम्प्लॉयज को नए चेंजेस बिल्कुल पसंद नहीं होगा, खासकर उन इम्प्लॉयज को जिनका मानना होता है कि चेंजेस लाने से कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसीलिए वे इम्प्लॉयज चेंजेस का विरोध करते हैं। जब चेंजेस का विरोध होगा तो फिर ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लानिंग को परफॉर्म करने में और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में बैरियर आएगा, बाधा आएगा। यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर को चाहिए कि वह इम्प्लॉयज को चेंजेस के बारे में समझाए और उन्हें बताए कि चेंजेस क्यों जरूरी है, और जरूरत पड़ने पर इम्प्लॉयज को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराए, ताकि इम्प्लॉयज चेंजेस के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सके। अगला बैरियर है अनकनेक्टेड अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लानिंग को फ्रेम करने में और इम्प्लीमेंट करने में एक और बैरियर होता है, वो है अनकनेक्टेड अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लानिंग जब ऑर्गेनाइजेशन के बाकी एरियाज जैसे कि फाइनेंस से जुड़ा एरिया, मैनेजमेंट से जुड़ा एरिया, सेल्स या मार्केटिंग से जुड़ा एरिया, रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़ा एरिया से कनेक्टेड होता है, तो प्लानिंग का
प्रॉपर फायदा उठाया जा सकता है। यदि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इन सब एरिया से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं हुआ और प्लान को फ्रेम करते समय इन सब एरियाज को कंसीडर नहीं किया गया, या प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते समय इन सब एरियाज को नहीं कंसीडर किया गया, तो फिर प्लानिंग इफेक्टिव नहीं होगा और ऐसे प्लानिंग से ऑर्गेनाइजेशन को कुछ खासा फायदा नहीं होगा। अगला है अनअवेलेबिलिटी ऑफ मैट्रिसेस एंड डेटा। अच्छा, हम सब इस बात को जानते हैं कि किसी भी प्रकार का प्लानिंग डेटा के आधार पर परफॉर्म की जाती है, पर यदि पर्याप्त मात्रा में डेटा और मैट्रिसेस अवेलेबल नहीं होगा तो फिर प्लानिंग सही से परफॉर्म नहीं किया जा सकता, और यही चीज ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लानिंग पर भी एप्लीकेबल होता है। तो यह कहना गलत नहीं होगा कि मैट्रिसेस और डेटा का अनअवेलेबिलिटी ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ा प्लानिंग का इम्प्लीमेंटेशन में बैरियर का काम करता है। अगर प्रॉपर मैट्रिसेस और डेटा नहीं होगा तो प्लान बनाने में तो प्रॉब्लम होगा ही, पर साथ ही साथ यह भी जानने में परेशानी होगा कि प्लान को इम्प्लीमेंट करने से ऑर्गेनाइजेशन में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, इसका क्या प्रभाव होगा, जिससे प्लान में इम्प्रूवमेंट का स्कोप नहीं रह जाएगा। इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को लगातार इवेल्युएट करते रहना होगा और साथ ही साथ प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी इसके इफेक्ट को एनालाइज करना होगा।